तुम रोज रोज मेरे पर्स में से पैसे कैसे निकाल लेती हो? तो अपना फोन का पासवर्ड मुझे क्यों नहीं बताते हो? मैं तो कह रहा था एटीएम क्यों नहीं यूज कर लेती हो? केस खत्म हो जाएगा बेबी, आप भी ना एटीएम यूज कर लेना मेरा। हाँ, अगली बार से। तो ठीक है, मेरी सैलरी भी आ गई है, भूल जाना उसे। आप तो बुरा मानते हैं, यही कहते हो। आप तो मेरे पति हो ना, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप हाथ पे दबा दूँ? सुनो, हाँ, अगर आप मुझे ये लाइन पढ़ के बता दोगे ना, तो मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूँ। अच्छा, तो तुमने मुझे क्या अनपढ़ समझ के रखा है? लाओ, मैं तुम्हारी बहन को लाइन मारता हूँ और ये बात तुम्हारे पापा को भी नहीं पता है। मैं तुम्हारी बहन को लाइन मारता हूँ, ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता है। अब चलो लाओ 5000 रुपए, वरना ये बात मैं मेरे पापा को सुना दूंगी। दोस्तों, मेरी बीवी गरीबी में भी मेरे साथ रह सकती है, दुख दर्द में भी मेरे साथ रह सकती है, परेशानी भी मेरे साथ रह सकती है, बट लड़े बिना नहीं रह सकती। Hey, what happened? पर उसके पहले तो 3 चीज बढ़िया बोला था ना मैं। इसीलिए बोलता हूँ, पूरे दिन लड़ते रहती है यार, लड़े बिना तो रह ही नहीं सकती। अरे बेबी, क्या हुआ? 30 शीशी दवा खा रही हो? बेबी, मुझे अब नहीं जीना है। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे बताओ तो सही, मैं आपकी हर प्रॉब्लम दूर करूंगी। बताओ, मैं आपको हर चीज दूंगी, क्या चाहिए आपको बताओ? मुझे 5-6 करोड़ रुपए चाहिए। अरे तो आप एक दवा से थोड़ी मरोगे, ये सब दवा खाओ और फिर मरो। हेलो, अजी सुनते हो? हाँ? आपको पता है, हम लड़कियों को शादी से पहले कोई बीमारी नहीं होती थी, शादी के बाद ये बीमारी, वो बीमारी, ये फलाना बीमारी, ढेड़ा बीमारी, बीमारी ही बीमारी होती है, पता है ऐसा क्यों होता है? तो क्या हुआ? तो क्या, ये ससुराली सब बीमारी का जड़ है।